नमस्कार, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माइंड योर फ्रेंड्स। मैं बता दूं, आज अपन डिस्कस करेंगे आईबीसी का सेकंड सीरीज, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आईबीसी का पहला वाला इंट्रोडक्शन पोर्शन, आज अपन डिस्कस करेंगे आईबीसी का सेकंड सीरीज, राइट। मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स को हमारा नोट्स को ज़रूरत है तो बाकी नीचे जो हम नंबर दे रखा है उसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। वहाँ पे मेरा नंबर भी है और बाकी जो हमारा फैकल्टी मेंबर है उन लोगों का भी नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अपना शुरू करते हैं आईबीसी का रिमेनिंग पोर्शन, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पोर्शन में, आईबीसी इज टू स्टेज प्रोसेस, राइट। पहला स्टेज में क्या होगा, एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा जिसमें क्या तय की जाएगी, रिलीवेंट प्लान तय की जाएगी, किसके किसके बीच में रिलीवेंट प्लान, जो भी आपका कॉरपोरेट डेप्टर होगा एंड जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर लोगों होंगे उनके बीच में एक प्लान तय की जाएगी, एक रिजोल्यूशन प्लान तय की जाएगी, राइट। मान लीजिए कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, रिजल्व नहीं हो पाया बिटवीन द कॉरपोरेट डेटर एंड क्रेडिटर, बिटवीन द क्रेडिटर एंड इंसॉल्वेंट दैट इज कॉरपोरेट डेटर, देन इट लीड्स टू लिक्विडेशन, स्टेज टू को वो चला जाएगा एंड जहाँ पे वो बिजनेस क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी एज पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज आवर एनसीएलटी, दैट इज आवर NCLT, राइट। चलिए आगे, हमने ये भी डिस्कस कर चुके थे इंसॉल्वेंसी बैंक आईबीसी कोड में, हमने पिलर ऑफ आईबीसी कोड डिस्कस किए थे जहाँ पे आईबीबीआई आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आईबीसी के दौरान जो भी प्रोसीड्योर होगा उन्हें आईबीबीआई कंट्रोल करेगा एंड आईबीबीआई ये तय करेगा कौन कौन पर्सन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं एंड जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एजेंसी है वो कैसे कंडक्ट करेगा एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, राइट। और एक बात हमने डिस्कस की थी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहाँ पे क्या होगा कॉरपोरेट डेटर के बारे में जो भी उनका एसेट होगा वहाँ का फुल डिटेल्स होगा इन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में, ताकि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को इधर उधर नहीं होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट्स ऑफ कॉरपोरेट डेटर, राइट। हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल डेट इज योर DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एंड अगर DRT का कोई भी डिसीजन को चैलेंज करना है देन उधर जाना पड़ता था DRAT के पास, अगर DRAT के डिसीजन में अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है देन वो सीधा कहाँ जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट को जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी मैं आपको वहाँ बताया था जो भी प्रोसीडिंग होगा, जो भी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, जो भी डिसीजन आएगा दैट विल बी योर NCLT विल योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, राइट। NCLT विल बी योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन, राइट। NCLT इज आवर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद आपका आता है क्या, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल द पर्सन एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन एजेंसी एंड रजिस्टर विद IBBI। मैंने आपको बताया था इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होने के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एजेंसी जो उस एग्जाम को कैरी करेंगे कंडक्ट करेंगे,
एंड उन लोगों को क्या होना पड़ेगा, आईबीबीआई के अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा, राइट। जैसा कि हमने बताया था, अगर एक सीए को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, देन आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा उससे हम क्वालिफाई करना होगा, तभी हम क्या बन सकते हैं, तभी हम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हैं। एंड वी हैव टू रजिस्टर विथ इंसॉल्वेंसी बैंक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ड्यूटीज आर वाइडर देन द लिक्विडेटर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो भी ड्यूटी होगा दैट इज वाइडर देन लिक्विडेटर। हमने डिस्कस किए थे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या ड्यूटी होगा, वो मोरेटोरियम के पीरियड के दौरान में कॉरपोरेट डेटर का बिजनेस को रनिंग करेगा एंड जो भी कॉरपोरेट डेटर का एसेट होगा उसे मॉनिटर करेगा, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्रेडिटर लोगों को नोटिस भेजेगा ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपना अपना क्लेम सबमिट कर सके, जो भी क्लेम सबमिट होगा क्रेडिटर लोगों के द्वारा उसको क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वेरीफाई करेगा, राइट। हेंस ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आर वाइडर देन द लिक्विडेटर एज दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस प्लान फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड इफ फेल्ड देन असिस्ट इन लिक्विडेशन। पहले वो क्या करेगा, जो भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान होगा कैसे बनेगा उसको कंडक्ट करेगा, अगर ये फेल हो गया देन वो लिक्विडेशन कर देगा, लिक्विडेटर को असिस्ट करेगा लिक्विडेशन करने के लिए, राइट। रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है, टू इंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर क्लेम, रनिंग ऑफ डेटर्स बिजनेस दैट इज योर कॉरपोरेट डेटर्स बिजनेस ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड दैट इज योर काम पीरियड, राइट। असिस्ट इन बिल्डिंग ए रिवाइवल प्लान दैट इज कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान में वो एक प्लान तय करेगा जिसकी तरह जिससे क्या हो सके, कॉरपोरेट डेटर एंड जो भी क्रेडिटर लोग हैं उनके बीच कुछ रीनेगोशिएशन हो सके, राइट। इफ ये वाला जो भी सीआईआरपी का प्रोसेस फेल हो जाएगा देन फाइनली उसको क्या होना पड़ेगा, लिक्विडेशन होना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे, हमने और क्या डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किए थे आईबीसी को 2016 के अंडर प्रोसेस होने के लिए, अप्लाई होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, डिफॉल्ट होना पड़ेगा। हमने और भी डिस्कस किए थे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 1,00,000 रुपीस होना चाहिए। मैंने आपको और भी बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू विच शैल नॉट बी मोर देन 1 crore, दैट मीन्स ये जो 1 lakh वाला लिमिट है उससे इंक्रीज करके सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट को 1 crore तक, मैक्सिमम 1 crore स्पेसिफाई कर सकता है, राइट। राइट, यहाँ पे हम देखेंगे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या है एंड कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सीआईआरपी दैट इज कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज ए सिचुएशन, राइट, वेयर क्रेडिटर ऑफ कॉरपोरेट डेटर इनिशिएट सीआईआरपी। कौन शुरू करेगा, क्रेडिटर शुरू करेगा, किसका क्रेडिटर, कॉरपोरेट डेटर का, जो भी क्रेडिटर होगा वो सीआईआरपी को शुरू करेगा इन केस डिफॉल्ट ऑकर्स एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सच डिफॉल्ट शुड बी ₹1 lakh, राइट। और सीआईआरपी के लिए कौन कौन प्रोसेस
सीएआरपी का जो भी प्रोसेस है कौन कौन इनिशिएट कर सकते हैं, पहला फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी होंगे वो क्या कर सकते हैं, सीआईआरपी को इनिशिएट कर सकते हैं, और कौन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स लोग जो भी होंगे वो सीआईआरपी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, एंड कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ कैन इनिशिएट द सीआईआरपी राइट। फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओड, दैट इज योर बैंक, क्रेडिट फैसिलिटी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, एनी पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओड। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑन द अदर हैंड ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू हुम एनी ऑपरेशनल डेट इज ओड राइट, जिसको क्या पेमेंट करना है, जिसको ऑपरेशनल डेट पेमेंट करना है, बाय हुम कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज क्लेम फॉर सर्विसेज एंड एम्प्लॉइज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ दैट मीन्स द पर्सन हु मेक्स द डिफॉल्ट और द पर्सन एगेंस्ट हुम सी आई आर पी इज प्रोसेस इनिशिएट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर राइट। चलिए आगे, दिस कोड प्रोवाइड प्रायोरिटी टू फाइनेंशियल क्रेडिटर ओवर ऑपरेशनल क्रेडिटर, दिस इज जनरल थिंग, ध्यान दीजिए। हमेशा जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग हैं जैसे कि बैंक, उन लोगों का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए जो भी इस कोड के दौरान जो भी फैसिलिटेड है दैट इज गिवेन टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट मीन्स मोर प्रायोरिटी विल बी गिवेन टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, दिस कोड प्रोवाइड प्रायोरिटी टू फाइनेंशियल क्रेडिटर ओवर ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन फाइनेंसिंग टू कॉर्पोरेट डेटर एज कंपेयर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट मीन्स अमाउंट फाइनेंस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर इज हायर देन ऑपरेशनल क्रेडिटर, हेंस दिस कोड प्रोवाइड्स प्रायोरिटी टू फाइनेंशियल क्रेडिटर राइट। देन CIRP by financial creditor, right? जो भी financial creditor CIRP को शुरू करेगा वो as per section 7 होगा right? ध्यान दीजिए, मान लीजिए A Limited कहाँ से लोन लिया था, SBI से लोन लिया था, Bank of India से लोन लिया था and Axis Bank से लोन लिया था, these bank or financial institution is known as your financial creditor, right? सपोज डिफॉल्ट टू एक्सिस बैंक, मान लीजिए ए ने किसको पे नहीं कर पाया, एक्सिस बैंक को पेमेंट नहीं कर पाया, दैट मीन्स डिफॉल्ट हो गया। एज पर द एक्सप्लेनेशन टू द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट सेक्शन 3 क्लॉज 12 में ये वाला जो डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट है उसे डिफाइन की गई है, अंडर दिस कोड डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट इंक्लूड्स ए डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटर ओड नॉट ओनली टू एप्लीकेंट बट ऑल्सो एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉरपोरेट डेटर एज वेल। इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक ने ए को नहीं पेमेंट कर पाया देन एस बी आई में फाइल इनिशिएट सीआईआरपी, एसबीआई में इनिशिएट सीआईआरपी। इसका मतलब ये है अगर आप किसी एक को पेमेंट नहीं कर पाया दैट मीन्स ये मान लिया जाएगा आप किसी को पेमेंट नहीं किया राइट। दस इन एबव केस इवन एसबीआई एंड बीओआई कैन इनिशिएट सीआईआरपी राइट। डिफॉल्ट किससे हुआ है, एक्सिस बैंक से हुआ है, लेकिन एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया वो लोग सीआईआरपी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं राइट। और
Default to any financial creditor leads to default to all financial creditor. अगर आप किसी एक financial creditor को default कर दिया, that means आप सब financial creditor को default किया, right? In the above case, if a limited submitted an application that they can repay within 6 months on affidavit, still financial creditor can initiate CIRP. यहाँ पे अगर A limited deferred होने के बाद कोई affidavit में ये बताता है कि मेरे को कुछ टाइम दीजिए, मैं आपका जो भी डिफॉल्ट पेमेंट अमाउंट है उससे पेमेंट कर दूंगा, फिर भी उसको क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट माना जाएगा. एंड अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी होंगे वो क्या कर सकते हैं? वो सीआईआरपी को इनिशिएट कर सकते हैं बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज योर एनसीएलटी, राइट. यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन देगा, किसको देगा? एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा, राइट. एनसीएलटी टू असर्टन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम एनसीएलटी को ये डिसाइड करना होगा आइदर डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. वो कहाँ से वो एग्जिस्टेंस डिफॉल्ट को असर्टन करेगा? जो भी इविडेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट मींस फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी इविडेंस देगा, बैंक स्टेटमेंट देगा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल वेरीफाई असर्टन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, राइट. एंड एनसीएलटी ऑल्सो वेरीफाई सच डिफॉल्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज नथिंग ए इलेक्ट्रॉनिक मोड डाटाबेस वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर आर अवेलेबल, राइट. एवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड ई मोड डाटाबेस है उसको सबमिट करेंगे. क्या क्या सबमिट करेंगे? कॉर्पोरेट डेटर का कितना एसेट्स है, वो कितना लोन लिया था, कितना अमाउंट का डिफॉल्ट किया, किस किन किन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन दी गई है एटसेट्रा एटसेट्रा. वो फाइनेंशियल क्रेडिटर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को डाटा प्रोवाइड करेगा. आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट, राइट. चलिए आगे. जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा किसको? एनसीएलटी को देगा. एनसीएलटी में डिसाइड, एनसीएलटी क्या कर सकता है? जो भी डिसीजन लेना है एनसीएलटी को वो 14 डेज के अंदर लेना पड़ेगा एनसीएलटी को. एनसीएलटी क्या कर सकता है? इफ इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हैज अकर, अगर डिफॉल्ट हुआ है देन एनसीएलटी क्या करेगा? एडमिट द एप्लीकेशन. एनसीएलटी क्या करेगा? एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा टू इनिशिएट सीआईआरपी. सीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए एनसीएलटी एक्सेप्ट कर देगा. एंड प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी टेक मैक्सिमम 180 डेज. ध्यान दीजिए, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था जब भी एप्लीकेशन इनिशिएट होगा सीआईआरपी हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन. एंड इन सम केसेस इट मे बी एक्सटेंडेड नॉट लेटर देन 90 डेज. दैट मीन्स वो 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, जिससे हम क्या बोलेंगे? काम पीरियड बोलेंगे और मोराटोरियम पीरियड बोलेंगे, राइट. राइट. फॉर दोज 180 डेज, इन दीज 180 डेज में क्या होगा? ऑल सुइट प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर शैल बी ऑन होल्ड. दैट मींस
जो भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 में कुछ कंडीशन पढ़ेंगे जहाँ पे ये लिखा है जो भी कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है वो हेल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, जो भी चल रहा है वो होल्ड हो जाएगा, नया प्रोसीडिंग कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट में शुरू नहीं हो सकता है, राइट। दिस इज द इन केस ऑफ काम पीरियड, राइट, ओके। और एनसीएलटी क्या कर सकता है, अगर एनसीएलटी को ये लगा कि कोई भी डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं है, दैट इज देयर इज नो डिफॉल्ट, देन एनसीएलटी क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, राइट, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। एंड अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अगर एप्लीकेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, देन एनसीएलटी 7 दिन को अपॉर्चुनिटी देगा इन राइटिंग एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, अदरवाइज एप्लीकेशन को एनसीएलटी रिजेक्ट कर देगा, राइट। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए आगे, ये वाला जो 180 है उसे हम क्या बोलते हैं, काम पीरियड या मोराटोरियम पीरियड कहते हैं। वो कब से शुरू होगा, स्टार्ट फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी एंड कंटिन्यू टिल कॉम्प्लीटेशन ऑफ सीआईआरपी। जब भी सीआईआरपी कंप्लीट होगा उस तक, उस टाइम तक काम पीरियड चलेगा, राइट, टिल अप्रूवल ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बाय एनसीएलटी। दैट इज जब एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देगा तब मोराटोरियम पीरियड कम्स टू अन एंड, राइट, दैट इज अप्रूवल ऑफ रिवाइवल प्लान। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, और टील पासिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन हमने ये डिस्कस किए थे। आईबीसी में दो प्रोसेस होगा, पहले सीआईआरपी का प्रोसेस होगा, अगर सीआईआरपी के प्रोसेस के दौरान कोई भी कंक्लूजन नहीं आ पाया देन लिक्विडेट हो जाएगा, राइट। ये भी जो काम पीरियड है उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए ऑब्जेक्ट ऑफ काम पीरियड क्या है, राइट, ये काम पीरियड टू एनेबल क्रेडिटर एंड कॉरपोरेट डेटर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टू अराइव एट मेथड और एक नेगोशिएशन और एक सॉल्यूशन में अराइव करने के लिए फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ए कॉरपोरेट डेटर का, जो भी जिसके रीजन से कॉरपोरेट डेटर ने क्या नहीं की कर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, उससे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, राइट, बाय कॉरपोरेट डेटर थ्रू रीनेगोशिएशन करके री एग्रीमेंट करके ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉरपोरेट डेटर एंड क्रेडिटर, राइट। जो भी रीनेगोशिएशन होगा और एग्रीमेंट होगा दैट इज थ्रू ए मीडिएटर होगा, जो वो नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करेगा, दैट इज नोन एज योर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। तो शुरू करते हैं सेक्शन 16, दैट इज योर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। हमने इंट्रोडक्शन में ये कवर किया था, जब भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा विद इन 14 डेज क्या करना पड़ेगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ेगा। किस लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, सीआईआरपी को फैसिलिटेट और इनिशिएट करने के लिए, राइट। जब भी एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय, जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा और कॉरपोरेट डेटर एप्लीकेशन देगा, वो क्या करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड एलोंग विद द एप्लीकेशन। जिस पर्सन को उन लोगों ने प्रपोज किया है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाने के लिए, दैट पर्सन का नेम वो क्या करेंगे, रेफर करेंगे, किसको रेफर करेंगे, एनसीएलटी, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ।
कौन कौन? फाइनेंशियल डेटर एंड कॉरपोरेट डेटर, राइट। जब भी ऑपरेशनल डेटर कोई एप्लीकेशन देता है, राइट, अगर ओ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो भी इफ नो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड, अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं प्रपोज्ड हुआ है, दैट मींस ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ये ऑप्शनल है। अगर प्रपोज नहीं हुआ है देन एनसीएलटी क्या करेगा, आईबीबीआई को रेफरेंस देगा, इसलिए फॉर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेशनल हु मे बी अपॉइंटेड एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आई होप यू क्लियर टिल दिस पॉइंट। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने प्रपोज किया है एनसीएलटी अप्रूव कर देगा एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का टेन्योर कितना दिन तक होगा, मैक्सिमम 30 डेज के लिए उनका टेन्योर होगा, राइट। ये 30 डेज के अंदर जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ख़त्म करना पड़ेगा। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, राइट, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। जब भी आईआरपी अपॉइंटेड होगा, अपॉइंटमेंट होने के 3 दिन के अंदर वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, राइट। पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे देगा, पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे देगा, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर में देगा, वन रीजनल न्यूज़पेपर में देगा, दैट इज योर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो भी होगा, वन इज योर वेबसाइट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एंड अनदर इज योर वेबसाइट ऑफ आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो भी वेबसाइट होगा वहां पे वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, राइट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट किस, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या देगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, राइट। जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, जो भी आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा उसमें क्या देगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम बाय क्रेडिटर, दैट इज क्रेडिटर हैज टू सबमिट देयर क्लेम, राइट, डिटेल ऑफ आईआरपी हु शैल वेस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सीआईआरपी, राइट। वो क्या देगा, इस चीज को आप पब्लिकली अनाउंस करेगा, राइट। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो क्या करेगा, एग्रीगेशन ऑफ क्लेम अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, जो भी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में जो भी क्लेम होगा उसे वो एग्रीगेट करेगा, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को एस्टेब्लिश करेगा, अब जो भी कॉर्पोरेट डेटर का असेट्स होगा बिजनेस होगा उसे मॉनिटर करेगा, एंड जो भी कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट होगा बिजनेस का उसे ये टेक ओवर करेगा, राइट राइट। जब भी एडमिशन एप्लीकेशन हो गया, जब भी एप्लीकेशन का एडमिशन हो गया, राइट, मोरेटोरियम पीरियड और काम पीरियड शुरू हो जाएगा, राइट। फास्ट 30 डेज के अंदर मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विल बी ऑन हैंड ऑफ आईआरपी। पहले 30 दिन के लिए जो भी मैनेजमेंट होगा कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस का वो किसके हाथ होगा, सॉरी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में होगा। आफ्टर दैट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल टेक ओवर टिल कॉम्प्लीटेशन। उसके बाद जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर किसे अपॉइंट कर देंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देंगे, तभी ये हैंडेड ओवर हो जाएगा। किसको हैंडेड ओवर हो जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हैंडेड ओवर हो जाएगा, राइट। आईआरपी को अपॉइंट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टार्ट सीआईआरपी, सीआईआरपी को स्टार्ट करेगा, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर
डज नॉट डेटोरेट ड्यूरिंग सी आई आर पी, राइट? सी आई आर पी के दौरान कॉरपोरेट डेटर का कोई भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज ना हो, इसीलिए आई आर पी को अपॉइंट किया जाता है। दैट मीन्स कॉरपोरेट डेटर, मान लीजिए सी आई आर पी प्रोसेस शुरू हो गया, कॉरपोरेट डेटर वो क्या कर रहा है, उनका जो भी एसेट है उसे सेल करता जा रहा है, सेल करता जा रहा है, उससे कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ लाया गया, ये आईआरपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, राइट? फाइनल टास्क इज टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ क्रेडिटर। इस 30 दिन के अंदर आईआरपी को क्या करना पड़ेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड्स लोन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर पर्सन, राइट? फाइनेंशियल क्रेडिटर में कौन कौन लोग आएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी जो भी दे रखे हैं और दे रहे हैं, दैट इज बैंक आएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आएगा एंड अदर पर्सन भी आएंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर। मान लीजिए ए लिमिटेड लोन लिया है, कहाँ से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है 5 लाख, बीआईओ से बैंक ऑफ इंडिया से ले रखा है 10 लाख का, एंड जेड लिमिटेड दैट इज ए रिलेटेड पार्टी से लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, राइट? कमिटी ऑफ क्रेडिटर इज ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट मीन्स जो भी क्रेडिटर का कमिटी होगा उसमें सब ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर विल बी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडिंग रिलेटेड पार्टी। ध्यान दीजिए, ये वाला डेंजर पॉइंट है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन नहीं आएगा, रिलेटेड पार्टी को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट? वो जो क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर होगा उसमें रिलेटेड पार्टी नहीं आएगा, राइट? दस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंसिस्ट ऑफ इन द एबव एग्जांपल, दैट इज योर एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए आगे,